हेलो दोस्तों, चीन की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता और जानेगा क्यों नहीं भाई, दुनिया के 7 अजूबों में जो शामिल है। दोस्तों, क्या आपको जानकारी है चीन की विशाल दीवार, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चीन की इस दीवार को आखिर इतनी विशाल दीवार क्यों कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है क्यों लोग इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं चीन की इस दीवार से जुड़ी और भी कई रोचक बातें। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, चीन की विशाल दीवार, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चीन के लोग इस दीवार को वनली चेंगचेंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी चीन घूमने जाएँ तो वनली चेंगचेंग जरूर देख लेना। दोस्तों, कहते हैं कि यह दीवार काफ़ी विशाल है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यह दीवार अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखी जाती है। दोस्तों, अगर इस दीवार की चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या पैदल 10 लोग चल सकते हैं, यानी करीब चौड़ाई 21 फीट है। और दोस्तों, अगर लंबाई की बात करें तो मानी जाती है कि 6400 किलोमीटर है। पर आपको बता दूँ, इस दीवार के बारे में लोगों का अलग अलग मत है, क्योंकि ये एक पूरी दीवार नहीं है बल्कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बनाई गई है। हाल में हुए सर्वेक्षण के अनुसार इस दीवार में कई खाली जगह भी है, और यदि इन खाली जगहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई 6400 से बढ़कर 8848 किलोमीटर तक हो जाएगी, जो कि अब यह दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी थी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था, और शायद इसी वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार की अगर इतिहास की बात करें तो यह दीवार करीब 2300 से अधिक साल पुरानी है। दोस्तों, इस दीवार का निर्माण किसी एक सम्राट द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कई सम्राटों और राजाओं द्वारा कराया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं, इस दीवार की कल्पना चीन के पूर्व सम्राट किन्सी हुआंग ने की थी, लेकिन उसके सैकड़ों साल बाद इसका निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था, और इस दीवार को बनाने में करीब 2000 साल लगे। चीन में इतनी विशाल दीवार बनाने का एकमात्र मकसद था दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करना। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में इसका इस्तेमाल परिवहन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाने लगा था। दोस्तों, इस दीवार के अंदर कई जगह मीनारें भी बनाई गई है, ताकि दूर से आते दुश्मनों पर नज़र रखी जाए। यह दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि दुश्मनों से रक्षा हो देश की। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी विशाल दीवार होने के बावजूद भी सन 1211 में चंगेज खान ने इसे तोड़कर चीन पर हमला कर दिया था। दोस्तों, इस दीवार को पत्थर, ईंट और मिट्टी से बनाया गया है। दीवार को बनाते समय इसके पत्थरों को जोड़ने के लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, दीवार की वर्तमान स्थिति थोड़ी ख़राब है। आज कुछ 30% दीवार का हिस्सा नष्ट हो चुका है, पर अब चीनी सरकार ने दीवार को बचाने के लिए अच्छे कदम भी उठाए हैं। चीन की इस दीवार को देखने के लिए हर साल लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या सोचा? अगर आपको भी घूमने का मन है और आप घूमना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।